हाय गाइस, मैं हूँ ऋषि जैन और आज मैं आपको बताऊंगा अपनी जेई जर्नी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जेई जर्नी के दौरान मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, जब भी मेरी लाइफ में कोई मुसीबत आती थी तो मैं उसे कैसे हैंडल करता था या मैं किन लोगों से एडवाइस लेता था। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मैं हूँ ऋषि जैन और मैं IIT दिल्ली से BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। जेई एडवांस 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 98 थी और KVPYSX 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 117 थी। इसके बाद बात करते हैं यार अनअकैडमी के आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन से के बारे में। अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखे हैं तो यार जल्दी से जल्दी इनको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट कर देंगे, आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेंगे। यार इन सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है पर्सनलाइज स्टडी प्लानर, जो आपकी स्टडी को बेस्ट तरीके से प्लान करेगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। उसके बाद आपको मिलता है इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी का मटेरियल। एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिलती हैं जो आपको गाइड करेंगी यार कि आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना चाहिए, पेपर में आपको क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए। और सबसे मेन आपको मिलेगा यार टेस्ट एनालिसिस। यार टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बताते हैं यार हमारे कौन से चैप्टर वीक हैं, कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं। जो हमारे चैप्टर्स वीक हैं उनमें ऑब्वियसली हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि पेपर आते आते तक वो भी हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो यार ये सब्सक्रिप्शन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये सब्सक्रिप्शन आप अपनी नीट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम में अगर 6 मंथ बचे हैं, आप ड्रॉपर बैच के हैं या आप मिड 12th में हैं, तो आप 6 मंथ का प्लान ले सकते हैं। आपकी जैसे 12th शुरू हुई है तो आप 12 मंथ का प्लान ले सकते हैं। अगर आप हाफ ऑफ 11th में हैं तो आप 18 मंथ का प्लान ले सकते हैं। आपने जैसे प्रिपरेशन शुरू करी है तो आप 24 मंथ का प्लान ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जब आप ये सब्सक्रिप्शन लें तो आपको कोड डालना है ऋषि55, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ अपनी जेई जर्नी के बारे में। पर क्लास 10th में मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं साइंस इक्वेशन में बहुत सारे मॉडल्स बनाता था और मैंने वो सब बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। इसके अलावा मैं बहुत सारी साइंस डॉक्यूमेंट्रीज देखता था और काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहता था यार कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें कैसे बनाई जाती हैं। ये सब देखने में और इनके बारे में जानने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो तब मैंने डिसाइड कर लिया यार कि मैं जाऊँगा तो साइंस फील्ड ही में जाऊँगा। फिर मैंने अपने पापा के पास गया और उन्हें बताया कि मुझे साइंस फील्ड में जाना है। तो इनिशियली तो वो खुश थे, बट वो अंदर से एक्चुअली वो ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो पहले तो उन्होंने यही बोला कि तुम डॉक्टरी में भी ट्राई कर सकते हो, बट फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम साइंस फील्ड में IIT कर सकते हो या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हो, जैसा तुम्हारा मन हो। तो उसी टाइम क्या था कि मेरे भैया IIT मद्रास से M.Tech कर रहे थे, तो मैं उनसे मिलने गया। तो मैंने IIT मद्रास का कैंपस देखा यार, वो काफ़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, और लगा कि यार अगर मैं IIT मद्रास या फिर कोई भी IIT में गया तो यार काफ़ी अच्छी लाइफ मिलेगी मुझे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसके अलावा उनकी जो रिसर्च लैब्स थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई फैसिलिटीज़ थी उनमें। तो वो सब देख के लगा यार अगर IIT में पहुंच गए एक बार तो लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं और हर चीज़ के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। तो तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे IIT ही करनी है। फिर लेकिन क्या था कि मेरा शहर ललितपुर, जो कि मतलब एक काफ़ी छोटा शहर है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ कोई IIT की प्रिपरेशन के लिए कोई अच्छी कोचिंग नहीं थी या कोई रिसोर्सेज था नहीं। तो सबसे पास का जो अच्छा शहर था वो था झांसी, तो वो भी मुझसे 100 किलोमीटर दूर था। तो फिर मैंने पापा से पूछा कि मुझे IIT की प्रिपरेशन करनी है, तो पापा ने मुझे सजेस्ट किया ठीक है यार तुम कोटा चले जाओ। तो फिर मैं कोटा गया, लेकिन उस टाइम तक भी मुझे JEE के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। बस मैंने IIT के बारे में सुना था कि हाँ IIT कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, और बस मेरा यही एम था कि मुझे IIT कॉलेज में जाना है। तो कोचिंग में गया और जब मेरा 11th क्लास में फर्स्ट रिव्यू टेस्ट हुआ तो वो JEE मेन्स पेपर बेस्ड था, लेकिन उसमें 75 क्वेश्चन थे। उस टाइम JEE मेंस में 90 क्वेश्चन आते थे और 75 क्वेश्चन में से मैंने 56 ही अटेम्प्ट किए थे और बाकी सारे मेरे छूट गए थे। वो पहला पेपर था, उन्होंने काफ़ी इजी भी बनाया था, फिर भी मेरा इतना सारा पार्ट छूट गया। तो पहले तो मैं काफ़ी डर गया यार कि 75 क्वेश्चन छूट गए। फिर मेरा एक दोस्त आया, वो मुझसे बोलता है यार ये तो JEE मेंस तो काफ़ी ईजी था, इसमें 75 क्वेश्चन ही आए और असली JEE मेंस में तो 90 क्वेश्चन होते हैं। मुझे और ज़्यादा अजीब लगा कि यार यहाँ मुझसे 75 क्वेश्चन नहीं हो रहे 3 आवर्स में, असली में 90 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैं और ज़्यादा डर गया यार। फिर 2-3 दिन ऐसे ही मैं क्लास में भी काफ़ी ज़्यादा चुप रहा और दोस्तों से भी कम बात करी। फिर
फिर मैं एक दिन सर के पास गया और फिर मैंने उन्हें बोला कि सर ऐसे 90 क्वेश्चन पेपर में कैसे हो सकते हैं, मुझे तो 56 भी नहीं हो पा रहे अभी जब सिलेबस इतना ज़्यादा कम है। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, वो मुझसे बोले ये पहला रिव्यू टेस्ट, ये पहला रिव्यू टेस्ट था, इसे देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये बस इसलिए था ताकि तुम्हें अंदाजा लगे कि जेई मेन्स में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पेपर को तुम्हें अप्रोच करना है, वो तुम्हें पेपर करके पता चलेगा। इसकी रैंकिंग को तुम ज़्यादा मत सोचो, इसके बारे में तुम जरा डरो मत, तुम्हें बस ये देखना है कि हमें इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है और आगे तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो 10th का लेवल चल रहा था उसमें तुम खेलते भी थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, दिन में 1-2 घंटे पढ़ के तुम्हारा हो जाता था, बट अब तुम्हें आगे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है, सही बात है, मुझे मेहनत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और क्योंकि मेरा सपना एकदम पक्का था कि ठीक है मुझे IIT में जाना ही है, तो मैंने अपनी मेहनत बढ़ा दी धीरे धीरे करके। मैं कोचिंग के अलावा दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ने लगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ने लगा। लेकिन क्या था कि मैं पढ़ाई बहुत ज़्यादा करता था तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो गई और धीरे धीरे मेरा फैट फैट गेन भी होने लग गया। और इनिशियली मेरी रैंक भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, बस थोड़ी बहुत बढ़ी, क्योंकि इनिशियली मेरा कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं था। फिर धीरे धीरे 1-2 पेपर देखे, मुझे समझ में आया कि यार पेपर के टाइम मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लग गई हैं, मतलब कभी कुछ अलग सोचने लग जाता हूँ पेपर से अलग, तो ये सब चीज़ें मुझे अवॉइड करनी पड़ेंगी। तब मैंने फिर मेडिटेशन स्टार्ट किया, वो भी मेरे टीचर ही ने सजेस्ट किया था। हमारा ऐसा होता था कि क्लास के बीच में एक योगा टीचर आते थे तो हमको मेडिटेट करवाते थे, तो जब मैं मेडिटेशन करता था तो थोड़ा माइंड रिलैक्स रहता था। जब मैंने फिर मैंने घर पे भी मेडिटेशन शुरू कर दिया, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, धीरे धीरे मेरा रिजल्ट अपने आप इम्प्रूव होने लग गया। और क्लास 11th के एंड होते होते मेरा रिजल्ट मतलब इतना ज़्यादा अच्छा आने लग गया कि मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ यार अब JEE में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन उस टाइम तक मेरा फैट गेन बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि मैं ओनली पढ़ाई कर रहा था, मतलब थोड़ी बहुत मस्ती करता था कि क्लास के बीच में जो ब्रेक मिलता था उसमें दोस्तों के साथ बातचीत कर ली, पेन फाइटिंग खेल ली या कहीं कैंटीन चले गए खाने, बट फिर भी मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। तो उसके कारण एक तो मैं फैट गेन बहुत ज़्यादा हो गया, उसके अलावा मैं काफ़ी ज़्यादा थका थका रहने लग गया, मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आने लग गई। तो क्लास 12th में जैसे मैं इनिशियली आया तो मेरा रिजल्ट धीरे धीरे गिरने लग गया, क्योंकि घर पे मैं बहुत जल्दी सो जाता था, लेट उठता था, उसके अलावा मेरी ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी नहीं थी और फिर फैट गेन भी बहुत ज़्यादा हो रखा था, उसके कारण मेरी हेल्थ और ज़्यादा धीरे धीरे ख़राब होती गई। फिर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, तुम्हें स्पोर्ट्स खेलने की ज़रूरत है, अगर तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा शरीर खराब होते जाएगा, और एक बार अगर शरीर खराब हो गया तो अगर तुम जितनी भी ज़्यादा पढ़ाई कर लो तुम्हारा रिजल्ट कम ही होता जाएगा। फिर तब यार मुझे समझ में आया कि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तभी हम अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। फिर वहाँ से मैंने सीखा कि हमें योगा करना चाहिए, डेली योगा करना चाहिए। मैं सुबह जल्दी उठ के फिर योगा करना स्टार्ट किया, स्ट्रेचिंग करता था एटलीस्ट 30 मिनट्स, उसके बाद हफ्ते में मैं एक दिन स्पोर्ट्स खेलने चला जाया करता था। और लाइफ में थोड़ा फन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा रिलैक्स रहें, मतलब पेपर की हमेशा टेंशन ना लें। तो फिर मैं हर एक रिव्यू टेस्ट के बाद मॉल चला जाता था या सिनेमा हॉल चला जाता था मूवी देखने, तो उससे क्या रहता था कि फ़न और जो मेरा पढ़ाई का बोझ है वो बैलेंस हो जाता था, कि थोड़ा रिलैक्स सा लगने लग जाता था और मेहनत करने के लिए आगे और ज़्यादा अंदर से एक्साइटमेंट आने लग जाती थी कि हाँ ठीक है अब पढ़ेंगे, आज थोड़ी मस्ती कर ली अब आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिर धीरे धीरे मिड क्लास 12th तक मेरा रिजल्ट वापस ठीक होने लगा। और फिर मैंने एक चीज़ देखी कि अगर आप हर रोज़ क्लास जाएंगे तो आपको हर रोज़ टीचर कुछ ना कुछ ऐसा बता देता है जो पेपर में सेम टू सेम आ जाता है, तो वो चीज़ें यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि हम टीचर की बात को बहुत ध्यान से सुने। तो इसलिए मैंने पूरी क्लास 12th में एक भी सिंगल क्लास मिस नहीं करी, जब मेरे को ये बात समझ में आई कि टीचर की बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप कभी कोई क्लास मिस ना करें। उसके बाद अपने टीचर की जो एडवाइस थी वो मैं हमेशा फॉलो करता था, टीचर मुझसे बोलता था कि टेस्ट के बाद यार तुम्हारा ये जो पार्ट है वो वीक हो रहा है, तो मैं उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देता था, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाता था और जो भी डाउट आते थे वो खोल के टीचर से पूछ लिया करता था। क्योंकि यार अगर आप टीचर से एक चीज़ कोई पूछेंगे तो वो आपको ऐसा रहता है कि 5-6 चीज़ें और बताता है, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम से क्लियर हो जाते हैं। सर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपके मन में, फालतू से भी फालतू डाउट्स हो आप टीचर से ज़रूर पूछो, क्योंकि भले ही वो डाउट फालतू सा हो लेकिन कई बार ऐसा होता है उसके पीछे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट छुपे हुए होते हैं और अगर वो आपने मिस कर दिए तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो
इसलिए ये तो मैं हमें सजेस्ट करूंगा कि आपको कोई भी डाउट है वो टीचर से जरूर पूछें, और पहले टीचर से पूछने से पहले एक बार अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर लें कि हाँ अगर फ्रेंड को आता हो तो वो भी समझा देगा आपको। एक अच्छा पीयर ग्रुप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, क्योंकि अगर एक अच्छा पीयर ग्रुप होगा वो आपको हमेशा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन देगा, उनको देख के आपको अंदर आपके अंदर एनर्जी आएगी, हाँ अगर मेरा दोस्त आज 20 क्वेश्चन कर रहा है तो मुझे भी एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो करने ही है। इसलिए एक अच्छा पीयर ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे दोस्त बनाएं और उनके साथ आप ये सब चीज़ें ज़रूर करें कि हाँ तू इतने क्वेश्चन लगा रहा है मैं भी इतने क्वेश्चन लगाऊंगा, साथ में पेपर करेंगे डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली जे टाइम मेरा मेरे दो फ्रेंड्स थे और मतलब वो आज भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, तो उनके साथ ये सब चीज़ें मेरी अक्सर हुआ करती थी। क्लास में कोई डाउट्स है तो पहले उनसे डिस्कस कर लिए, वो मेरे डाउट्स क्लियर कर देते थे। थोड़ा हेल्दी कॉम्पिटिशन भी रहता था कि हाँ यार कि तुम अच्छा कर रहे हो मैं भी पढ़ूंगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो ऐसे करते करते मेरी क्लास ट्वेल्व बड़ी स्मूथली चली गई और फिर जनवरी में मेंस आया। तो मेंस आया तो मेरी क्लास ट्वेल्व मैंने अच्छे से पढ़ रखा था, तो मेंस मेरा अच्छा चला गया और मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ चलो ठीक है मेंस क्लियर हो गया, अब अच्छे से एडवांस की तैयारी करनी है। तो फिर फेब्रवरी में और मार्च में बोर्ड्स थे। अब बोर्ड्स का कई बच्चे ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन अगर आपने एडवांस की अच्छे से तैयारी करी होगी तो बोर्ड्स आप अच्छे से कर ही लोगे, और बोर्ड्स बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर भी नहीं है। मेरे साथ ऐसा था कि 12th क्लास में मैं हर वीक एक एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ता था कि बोर्ड की भी तैयारी साथ साथ होती जाए, तो एंड टाइम में बिल्कुल प्रेशर नहीं रहा। एंड के मैंने 15 डेज ही पढ़ा होगा और बोर्ड्स मेरे अच्छे से चले गए। तो आप भी यही ट्राई कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे, जैसे क्लास 12th में एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्तों में एक दिन आप बोर्ड्स का भी थोड़ा बहुत पढ़ लें, इससे क्या वो एंड टाइम में आपका प्रेशर बिल्ड नहीं होगा और आप बोर्ड्स को बहुत कम टाइम देंगे और एडवांस को आप ज़्यादा टाइम देंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन यार जैसे ही बोर्ड खत्म हुए तब लाइफ में एक और अजीब सा पीरियड आ गया, कोरोना वायरस आ गया, तो पूरे शहर में लॉकडाउन लॉकडाउन लग गया। तो फिर मैं वापस अपने घर आया, और जैसे ही मैं घर आया तो टीचर से कांटेक्ट छूट गया, मेरे फ्रेंड से कांटेक्ट छूट गया, फिर मन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहने लग गई कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, ना टीचर मेरे डाउट क्लियर कर रहे हैं ज़्यादा अच्छे से। लाइव में तो यार ऑब्वियसली बहुत अच्छे से टीचर डाउट क्लियर कर देते हैं, अब उनको कांटेक्ट करना भी मुश्किल हो रहा था और फ्रेंड से भी रोज़ बात नहीं हो पा रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग गया कि अब क्या होगा। उसके बाद जेई एग्ज़ाम डिले पे डिले हुआ जा रहा है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करें, मटेरियल भी कम पड़ रहा था मेरे लिए। तो जब ये सब चीज़ें होने लगी तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं, और वहाँ मोहल्ले वाले गेम्स खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनकी लाइफ बढ़िया चल रही है, और यहाँ मेरा जेई पीरियड बड़े पे बढ़े जा रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा समझ ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने भी मोहल्ले वालों के साथ खेलना शुरू कर दिया, वो लोग पबजी खेलते थे, मैंने भी एक दिन डाउनलोड किया और मैं भी खेलना चालू कर दिया, और फिर धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा खेलने लग गया कि दिन के 3-4 घंटे में गेम ही खेल रहा हूँ। फिर हाँ जैसे जैसे मैं गेम खेलता रहा पढ़ाई का टाइम कम होता गया, पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होता गया, दिमाग में वो सब बातें चलने लगी, तो ऑब्वियसली मेरा रिजल्ट धीरे धीरे गिरता गया, मेरे मार्क्स कम आने लग गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर एक दिन मैंने टीचर से बात करी, टीचर ने मुझसे बोला यार तुम्हारा रिजल्ट क्यों गिर रहा है, पता है कि सर आजकल मैं गेम्स बहुत ज़्यादा खेल रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पीरियड काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया है कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, और जेई एक्सटेंड पे जेई का एग्ज़ाम एक्सटेंड पे एक्सटेंड हुआ जा रहा है। तो सर बोले कि अगर तुम ये 3 महीने अगर तुम खेलते रहोगे तो तुमने जो 2 साल मेहनत करी है वो पानी में चली जाएगी, और आगे तुम कोई फिर छोटा सा कॉलेज मिलेगा और जो तुमने 2 साल इतनी अच्छी मेहनत करी है उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने उनकी बात सोची कि यार बात तो सही है कि ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत पीरियड एक्सटेंड हो रहा है, बट अगर मैं अभी से गेम खेलूंगा और इतना सारा टाइम गेमिंग को दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा रिजल्ट तो गिरते ही जाएगा। फिर सर ने बोला कि ठीक है तुम चाहो तो इसे कम कर सकते हो, ऑब्वियसली बहुत जल्दी तो कम नहीं होगा कि तुम आज गेम खेलना ही छोड़ दो, बट तुम ये ट्राई कर सकते हो कि मान लो अभी तुम 3 घंटे खेलते हो तो कल तुम 2.5 घंटे खेलो, फिर 3-4 दिन बाद तुम 2 घंटे खेलो, ऐसे धीरे करते करते कम ले कर लो। सर मैंने उनकी बात फॉलो करी और मतलब अंदर से मोटिवेशन आ गया कि हाँ यार इन 3 महीने तो पढ़ना ही है और अच्छे से पढ़ना है। तो धीरे धीरे मैंने अपने गेमिंग का टाइम रिड्यूस किया और वापस पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेशन ला दिया अपना पूरा, मेडिटेशन फिर से मेडिटेशन चालू किया मैंने, अच्छे से अपना पूरा कंसंट्रेशन एकदम कंसंट्रेटेड रखा, और फिर से मेरे मार्क्स थोड़े बहुत ठीक हुए। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं,
मैंने दोस्तों से बात करी, दोस्त लोग बोले कि ठीक है अपन एक काम करते हैं कि अपन रोज एक टेस्ट पेपर देंगे, रोज नहीं तो एटलीस्ट 3 दिन में एक टेस्ट पेपर देंगे और फिर एक दूसरे की मिस्टेक या डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है यार एक्चुअली मेरे लिए, कि उनके साथ रोज बैठ के मैं एक पेपर लगाता था, मतलब पेपर तो अपने घर से लगाता था लेकिन उनके साथ डिस्कस करता था। उससे क्या वो ये चीज़ें समझ में आती थी कि यार आपसे क्या मिस्टेक हो रही हैं, या आपके दोस्त कौन सी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या उनकी सिली मिस्टेक कम क्यों रही है, आपकी क्यों ज़्यादा हो रही हैं। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी यार कि मेरी सिली मिस्टेक इसी वजह से ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि घर पे जब मैं क्वेश्चन करता था तो ऐसे मैं हवा हवा में कर देता था कि हाँ ठीक है इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन जेई क्या है, धीरे धीरे कैलकुलेटिव होता जा रहा है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत सारी कैलकुलेशन करें, खुद से करें, कैलकुलेटर का कम से कम इस्तेमाल करें। हो सके तो आप आंसर का अप्रोक्सीमेशन कर लें, लेकिन ये नहीं करें कि आप कैलकुलेशन बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हैं। अगर आप वो करेंगे ना तो आपकी सिली मिस्टेक बढ़ती जाएंगी और तो पेपर में भी आपका फोकस लूज होगा। तो आप ये ज़रूर करें कि जो भी आपकी कैलकुलेशन होती है उनको आप खुद से करें। तो फिर जब मैंने ये करना शुरू किया तो 1-2 महीने बाद फिर मेरी सिली मिस्टेक धीरे धीरे कम हुई, और दोस्तों के साथ रेगुलर पेपर कर रहा था उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और मेरा स्कोर अच्छा आने लग गया। फिर जब पेपर का 1 महीने बचा था तब मेरे टीचर ने मुझे बेस्ट एडवाइस दी कि तुम अब हर रोज एक एग्जाम लगाओ। इससे क्या होगा, पेपर के दिन तुमको ये नहीं लगेगा कि तुम कुछ नया कर रहे हो, तुम रोज एग्जाम लगाते हो तो तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा, तुम्हारी जल्दी सुबह जल्दी उठना हैबिट में आ जाएगा। तो उनकी बात मानी मैंने और रोज मैं एक पेपर लगाने लग गया, और धीरे धीरे मेरी मेहनत भी बढ़ गई। और उसके बाद मैं एक पेपर लगाता था, उसके बाद जो गलतियां होती थी उनका फिर अलग से एक पेपर बनाता था कि हाँ ठीक है ये गलतियां हुई हैं आज, उनको फिर रिवाइज करता था कि मेरे से इस जगह गलती हो रही है, और ट्राई करता था अगली बार वो गलती मेरे से बिल्कुल ना हो। और फिर जिस चैप्टर में मेरी मिस्टेक हो रही है उसको आइडेंटिफाई करता था कि हाँ ठीक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेरी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है तो इसको वापस से एक बार रिवाइज करना है। तो ये सब करता था, तो इससे क्या होता है, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, उसके अलावा आपकी जो सिली मिस्टेक वाला पार्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, आपको ये पता चल जाता है आप किस जगह पे वीक हैं। तो जब ये सब किया ना तो मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो लगा कि हाँ यार अब तो एक अच्छी रैंक, अब मेरी अच्छी रैंक एक आराम से आ जाएगी। और फिर लेकिन क्या था कि जैसे जैसे जेई पास आता गया डर तो बढ़ता ही है। अब मेरा एग्ज़ाम था 27 सितंबर को, और मेरा जो शहर है वहाँ जेई सेंटर था नहीं, सबसे पास जेई सेंटर था झांसी में जो कि 100 किलोमीटर दूर है। तो मैं 26 को झांसी निकल गया और झांसी में एक दिन रुका, और मेरा एग्ज़ाम था अगले दिन सुबह 9 बजे और मैं रात को सोया 10 बजे, लेकिन 10 से 1 मुझे नींद ही नहीं आई। बस यही एंग्जाइटी हो रही है कि हाँ यार अगले अगले दिन पेपर में क्या होगा, मैं पेपर कैसे करूँगा, ये सब बातें ही सोच रहा हूँ और डर रहा हूँ। और फिर 1 बजे जैसे तैसे करके सोया, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठा, उठ के लगा कि यार नींद आ रही है अब क्या करूं, पेपर तो बस 2 घंटे बाद ही है। फिर कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो मैंने जल्दी से मेडिटेट किया, नहाया और पेपर देने चला गया। लेकिन क्या था, जो इतने दिन मैंने मेहनत करी थी लगातार हर दिन एटलीस्ट एक पेपर किया था, तो भले ही मुझे नींद आ रही थी लेकिन मेरा कंसंट्रेशन फिर भी एग्जाम पे ही था। तो उसके कारण ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम के टाइम मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी क्योंकि मैंने अच्छे से सोया नहीं था। सर ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, अगर आप एग्जाम देने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा पेपर को किस पैटर्न में करना है, आपके क्या स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। अगर आपको ये सब पता होंगे तो आप जल्दी से जल्दी पेपर कर पाएंगे, और अगर आपके पेपर के दिन आपकी कंडीशन ठीक भी नहीं है तो भी आप अच्छे से पेपर करेंगे। और जेई देते समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो एक रात पहले ढंग से नहीं सोए हुए होते हैं, और जो लोग रोज पेपर लगाते हैं, ढंग से एग्जाम लगाते हैं, कंसंट्रेटेड लगाते हैं, वो उस दिन ऐसा नहीं होता कि फेंट हो जाते हैं या फिर नींद आ जाती है उनको या अपना पेपर बिगाड़ लेते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं बहुत अच्छे से पिछले 30 डेज मैंने रोज एक पेपर लगाया था, तो उस दिन भी मेरा स्मूथ गया, भले ही मैं कम सोया था, भले ही मैं 5 घंटे की नींद पे था। और उसके बाद रिजल्ट आया तो मेरी रैंक 98 आ गई, तो घर वाले बहुत खुश थे। फिर मेरा एम यही था कि कंप्यूटर साइंस में जाऊँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लूँगा। मैंने आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले ली, और अब यहाँ आके फिर जो 2 साल मैंने बहुत कम मस्ती करी थी, फिर यहाँ आके पहले तो अच्छे से मस्ती करी और फिर
फिर वही है कि लाइफ एक बढ़िया हो गई, ये पता चल गया कि क्या क्या फील्ड्स होती हैं। सर मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगा कि अपने जो 2 साल है ना, उनमें एक तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई बहुत ज़्यादा करने लग जाओ। ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करो, बस साथ में हेल्थ का भी ध्यान दो, योगा करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके अलावा आप हफ्ते में एक दिन घूमने भी जा सकते हो, ये नहीं कि रोज घूमने जाओ, बट हफ्ते में एक दिन घूमने जा सकते हो, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर सकते हो। और सबसे मेन बात, आपको अपने टीचर की सारी बातें सुननी है, आपको हर एक क्लास अटेंड करनी है। तो यही थी मेरी जर्नी। इसके अलावा यार, अनअकैडमी का आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।